आखिरकार टाटा ग्रुप ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जिसका इस्तेमाल करके आप ग्रोसरीज को बाय कर सकते हैं, मेडिकल की चीजों को बाय कर सकते हैं, यूपीआई की पेमेंट कर सकते हैं, आईसीसी का वर्ल्ड कप देख सकते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ टाटा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है टाटा की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको टाटा के इस एप्लीकेशन के बारे में इन डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार, मैं विमल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो हमेशा की तरह आज का ये जो वीडियो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे मार्केट से जुड़ी अपडेट बताने वाला हूं और इसी के साथ साथ कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और कौन सा ऐसा स्टार्टअप का आइडिया है जो फ्यूचर में जाकर बूम कर सकता है। अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको इस आइडिया में भी काम करना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप बाय नाउ और पे लेटर की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने बाय नाउ पे लेटर की कंपनीज पर काफी एक नजर रखी हुई है। और तो और खासकर सेजल जो है अपने ऑपरेशंस को 9 अप्रैल यानी कल से अपने ऑपरेशंस को इंडिया में बंद करने वाला है। देखो, बाय नाउ और पे लेटर की सर्विसेज जो है वो लेटेस्टली मार्केट में आई है, तो यहाँ पर काफी कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। तो इसी की वजह से आरबीआई ने यहाँ पर काफी सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए हैं और इसी के साथ साथ आरबीआई इन पर काफी तेजी से नजर रख रही है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं आरबीआई के एक और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अगर आपको एटीएम से कैश विड्रॉ करना होता है तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे एटीएम्स में देखा होगा कार्डलेस विड्रॉवल का ऑप्शन होता है। अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आपको कार्ड की रिक्वायरमेंट भी नहीं। एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा आपको एटीएम में डालना पड़ता है और उसके बाद आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई यहां पर एक और अपडेट लेकर आने वाली है, और अगर आपको यूपीआई का इस्तेमाल करके यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके एटीएम से पैसे निकालने हैं तो यहां पर अब ये भी मुमकिन होगा। आजकल पैसे विड्रॉ करना काफी ज्यादा आसान होते जा रहा है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये फीचर जो है वो हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तो और आरबीआई बैंक ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर 93 लाख और 90 लाख की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि इन दोनों बैंक ने आरबीआई के कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था। देखो, जब कभी भी कोई भी बैंक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आरबीआई जो है वो इन बैंक्स पर फाइन लगाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ है। अल्टीमेट लॉस यहाँ पर होता है किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर का। बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक के पास हम जैसे लोग ही पैसा जमा करते हैं, तो नुकसान भी ऑब्वियसली हम लोगों का ही होगा। रोल्स रॉयल्स ने इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप के अंदर ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर। अगर आप इन दोनों कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। एचडीएफसी बैंक और HDFC दोनों मर्ज होने के बाद HDFC का मार्केट कैपिटल हुआ था 14.3 लाख करोड़ का। लेकिन इससे बड़ी भी एक मार्केट में कंपनी है अगर मैं अदानी ग्रुप के टोटल नेटवर्क की बात करूं। अगर मैं अदानी ग्रुप के टोटल मार्केट कैप की बात करूं तो अदानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप है 15.3 लाख करोड़, जो कि HDFC से काफी ज्यादा है। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं HDFC और अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर्स में। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, ऑप्शन ए HDFC बैंक के शेयर्स में या ऑप्शन बी अदानी ग्रुप के शेयर्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए अशोक लेलैंड में। क्योंकि अगर मैं अशोक लेलैंड के रिटर्न्स की बात करूं तो अशोक लेलैंड के शेयर्स ने एक हफ्ते में 4.93% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में -6.7% रिटर्न दिए हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे रीजंस थे, मार्केट में क्रैश आ चुका था। और इसी के साथ साथ अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में इसने -8.87% के रिटर्न दिए हैं और 1 साल में इस कंपनी के शेयर्स ने 0.85% के रिटर्न दिए हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में 1 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं 5 ईयर्स के लिए 10 ईयर्स के लिए तो काफी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अशोक लेलैंड के शेयर को एनालाइज करूं, इसके स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मार्केट में कुछ नया करना है और एक अच्छा स्टार्टअप बिल्ड करना है जिसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आप एक फिनटेक स्टार्टअप कर सकते हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं जहां पर जोमेटो और स्विगी की प्राइसेस को कंपेयर किया जाए, जहां पर डोमिनोज और पिज्जा हट की प्राइसेस को कंपेयर किया जाए, या अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्राइसेस को कंपेयर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करने के टाइम पर यही प्रॉब्लम होती है कि सस्ता कहाँ पर मिलेगा और क्वालिटी कहाँ की अच्छी होगी, तो बेसिकली कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट में अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जो इनकी प्राइसेस को कंपेयर करे तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भी स्टार्टअप के आइडिया को जानने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को जरूर चेकआउट करना। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ITC के शेयर्स को जरूर ऑब्जर्व किया होगा।
होगा। पिछले एक हफ्ते में ITC के शेयर्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, 52 वीक हाई पर हैं। करंटली इस कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस हैं 267 रुपीस के आसपास, और सिर्फ एक महीने में ITC के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 17% का रिटर्न दिए हैं। काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि ITC जो है वो एक लंबी रेस का घोड़ा है, आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, और जिस किसी ने भी उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया था उसके वेल्थ की काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ITC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। CLSA की रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि सेंसेक्स की वैल्यू जा सकती है 1 लाख रुपीज तक, वो भी अपकमिंग 3-4 ईयर में ही। शेयर मार्केट दुगनी तेजी से ग्रो करेगा सिर्फ 3 या 4 साल के अंदर अंदर। देखो, समझदार को इशारा ही काफी होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर अभी आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो आने वाले 3 से 4 साल में आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी 2 लाख रुपया या 3 लाख तक जा सकती है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने का ये काफी सही टाइम है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बताता हूं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब कभी भी इनकी शेयर्स की वैल्यू नीचे गिरती है तब इनको बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें से सबसे पहले नंबर पर है SBI, उसके बाद है टाटा मोटर्स और HDFC लाइफ, रिलायंस, अंबुजा सीमेंट, डीमार्ट और HDFC। इन सारे शेयर्स को मल्टीबैगर शेयर्स कहा जाता है, और अगर आपको फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग बात करते हैं टैक्स कलेक्शन के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो चुका है 49% से, और इसी के साथ साथ अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 30% से इंक्रीज हो चुका है। मतलब टैक्स पे करने वालों के नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों के भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करना है तो ये काफी सही टाइम है, और किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना है ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको पता चल जाएगा। तो इंतजार मत करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देना। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।